आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां पर बात होती है हमारे और आपकी सेहत के बारे में। हेलो डॉक्टर। दिन भर की भाग दौड़ में हमारे पैरों का किरदार जो है वो सबसे अहम है। सुबह सवेरे हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं और हमारे कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। घर से लेकर ऑफिस जाने तक सबसे ज्यादा भार हमारे पैरों पर ही पड़ता है। हमें हमारे बुजुर्ग तो ये भी सलाह देते हैं कि जब रात में सोने जाओ तो पैरों की 5 मिनट की मालिश तो बनती ही है, दिन भर तुम्हारा भार जो उठाता है। वाकई इससे मदद भी मिलती है, लेकिन हमारे पास समय ही कहाँ बचता है ये सब सोचने के लिए। पैरों की तरफ ध्यान भी जाता है तो अमूमन सिर्फ नाखून काटने तक सीमित रहता है, और नतीजन होता ये है कि बैठे बिठाए पैरों में ऐंठन होने लगती है, या अगर ज्यादा देर खेल लिया, चल लिया या खड़े रहे तो ऐंठन के साथ दर्द उठता है। वैसे ये समस्या गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाती है। इसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं लेग क्रैम्प्स। बहुत ही आम समस्या है, पर पैरों में ऐंठन और दर्द एक भविष्यवाणी है आगे जाकर पैरों की नसों को होने वाले नुकसान की। इसीलिए डॉक्टर इसे हल्के में ना लेने की सलाह देते हैं। साथ ही इस दर्द से निपटने के लिए हर बार पेन किलर खाने से भी मना किया जाता है। तो इससे कैसे बचें, डॉक्टर से आज के हेलो डॉक्टर एपिसोड में बात करेंगे। आज हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभा सुब्रमण्यम इटोलिकर, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शोभा आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद जी। डॉक्टर शोभा, तो पैर चूंकि हमारा दिन भर का पूरा भार उठाता है तो जो दर्द होता है इसके अंदर वो जायज है और हम अपनी लाइफस्टाइल में इसका ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस तरह के जो दर्द हैं पैरों में, एक थोड़ा बहुत ऐसे हल्का सा हुआ तो हमने मालिश कर लिया, चाहे कुछ कर लिया तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन ऐंठन से लेकर अगर आप बहुत देर तक खड़े हो जाएं तो वो फिर आपके कमर दर्द तक भी पहुँच जाता है, तो ये इसके पीछे क्या वजह है? ये जो आपने कहा मसल क्रैम्प, जो मसल में खिंचाव जैसा एक फीलिंग आना, तो इसके पीछे या तो मसल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मसल क्रैम्प मतलब क्या है कि पेशेंट को वहाँ के मांसपेशी में काफी दर्द सा महसूस होता है, इतना तक कि कभी वो मूव करने में भी उनको मुश्किल हो, वो वाला पैर या हाथ। तो ये इसलिए हो सकता है कि मसल ओवर यूज हुआ हो, ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो बिना रेस्ट के, या मसल को बिना वार्म अप के यूज किया हो, जिसके वजह से उसमें लैक्टिक एसिड जम जाती है एंड देन वो पेनफुल हो जाता है, या तो वो मसल को सप्लाई करने वाले कोई नर्व में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे डायबिटीज में होता है या स्पाइन में कोई इश्यू होगा, नर्व कंप्रेशन होगा, तो वो नर्व जिस मसल को सप्लाई करती है वहां पे हमें क्रैम्प्स महसूस होता है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि ऐंठन होता है, आप काफ या थाई के पास दर्द होता है, ये तो बहुत मतलब ऊपर ऊपर से ये सिम्टम्स हैं जो हमें महसूस होते हैं, लेकिन आप एज अ डॉक्टर इसको एक थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे पाए कि और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो ज्यादा कंसर्निंग होते हैं पैरों को लेकर। यस, तो बेसिकली अभी कैसे हुआ था कोविड के टाइम पे, एक मेरे पेशेंट बोल रही थी, ये बोल के आई थी कि बच्चा उनका उसका पैर दुखता है, रात में बहुत रोता है। तो मैं उसको बोलती थी कि दिन में बहुत, मैंने उनसे कहा कि दिन में बहुत भाग दौड़ करता होगा आपका बच्चा, पानी कम पीता होगा। तो वो बोली भाग दौड़ तो उतना नहीं होता है, लॉकडाउन के कारण बाहर जाना नहीं होता है, ये तो अभी ऑनलाइन स्कूल ही तो चल रहा है। तो जरा ठीक से डिटेल में हिस्ट्री लेने पर ऐसे पता चला कि वो बच्चा था 10 साल का और वो बैठा था एक टेबल पे, पैर उस चेयर जो कंप्यूटर के सामने चेयर लेके बैठा था और उसका पैर लटका के रखता था दिन भर, वो पैर को कोई सपोर्ट नहीं रहती थी, तो इस वजह से उसको मसल क्रैम्प हो जाता था एंड देन वो रात में सोते वक्त रोता था। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने उसको बताया कि आप एक छोटा सा स्टूल रख दीजिए उसके पैर को, अगर पैर को सपोर्ट हो जाए तो बच्चे को ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इसमें कोई पेन किलर की भी जरूरत नहीं है ना कोई मसाज की।
तो ये सिंपल से सॉल्यूशन से ऐसा हुआ कि बच्चे के क्रैम्प में रिलीफ भी हो गया। तो बेसिकली ये मसल ओवर यूज होने के कारण, मसल को सपोर्ट नहीं मिलने के कारण तो पेशेंट को ये क्रैम्प है। क्रैम्प काफी डिस्टर्बिंग होते हैं, मतलब हमारे एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, चलते वक्त कॉन्शियस हो जाते हैं हम की मसल में दर्द है, या नींद अपना डिस्टर्ब होता है, मूवमेंट्स हमारे हैम्पर होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, एक्टिविटीज कम, एक्सरसाइज कम, उसके वजह से वजन और बढ़ता है और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो ये पेनफुल सेंसेशन इन द मसल या तो एक्यूट होता है, जैसे सडनली आके चमक जैसे पकड़ लिया और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, या आते जाता रहता है। तो ये होता है मसल क्रैम्प का प्रेजेंटेशन जी। और जब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रही थी तो कई जगह मैंने ये पाया कि पैर में जो लेग क्रैम्प्स हैं वो अक्सर रात में ज़्यादा होता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? और मतलब कई जगह तो ये भी मैंने पढ़ा कि दर्द इस तरीके का होता है कि नस चढ़ जाती है और जब तक आप उसको 2-3 मिनट तक आप उसे रब ना करें तब तक वो फिर बहुत तेज़ अनबियरेबल पेन होता है वो, तो रात में इसके होने की क्या वजह है? तो इसके 2-3 रीजंस है मैम कि पहले अपना वाटर इनटेक अगर कम हो, हाइड्रेशन अगर एडिक्वेट ना हो तो पानी का प्रमाण, तो फिर ये क्रैम्प्स अपने हमें फील होते हैं, स्पेशली रात के टाइम पे जब अपनी द एंटायर बॉडी इज रिलैक्स, द मसल इज नॉट एबल टू रिलैक्स बिकॉज ऑफ पानी की कमतरता की वजह से। तो ये हाइड्रेशन हम भूल जाते हैं, स्पेशली जब एसी एनवायरमेंट में हम काम करते हैं, तो दिन भर में जो 2-2.5 लीटर का पानी इंटेक होना चाहिए वो रिक्वायरमेंट हम मीट नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोगों की काम की नेचर ऐसी है कि वो बैठे बैठे काम करते हैं, जैसे सेडेंट्री लाइफ, जैसे कंप्यूटर के सामने हम बैठे रहने के कारण काफी जगह पे काफी लोगों को साइटिका जैसा हो सकता है। साइटिका मीन्स हम नस पे ही बैठे हैं दिन भर विदाउट किसी का कोई वार्म सिंपल एक्टिविटी के बिना, तो ये भी हमें रात में ज्यादा परेशान करता है मसल क्रैम्प के तौर पर। तीसरा है रेस्टलेस लेग्स, जैसे किसी को डायबिटीज हो अगर कंट्रोल में ना हो तो वो पर्सन को रात में मसल में क्रैम्प आता है, पैर हिलाते रहना पड़ता है, वो किए बिना उनको राहत नहीं मिलती है। और रॉन्ग पोस्चर, लोगों को आदत है अभी स्पेशली अभी लॉकडाउन में घर वर्क फ्रॉम होम में कि एक सिंपल टेबल चेयर पे ना बैठ के बेड पे या सोफा पे बैठ के अपने स्पाइन की केयर ना लेते हुए लोगों ने काफी खुद के ही स्पाइन हेल्थ या बैक हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो उसके वजह से भी बॉडी हमें वार्न करता है कि बाबा आपका पोस्चर सही नहीं है, तो नर्व कंप्रेशन हो रहा है उसके वजह से आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ये जो है डिहाइड्रेशन, रॉन्ग पोस्चर, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये सब चीजें होती है जो कंट्रीब्यूट करती है मसल क्रैम्प्स को, स्पेशली नाइट टाइम में। ठीक है, तो अब तक मुझे इतना जो आपने ये सारी चीज़ें बताई उसमें एक जो मेन पॉइंट है वो है डिहाइड्रेशन, और गर्मियों का चूँकि सीजन है तो लोगों को जो अपनी पानी की क्वांटिटी है वो ज़रूर बढ़ा देनी चाहिए, और एसी में अगर आप रहते हैं तब तो और। और यहीं से डॉक्टर शोभा आपसे एक सवाल मुझे ये पूछना था, जैसे बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं, हमेशा सलाह देते हैं कि जब आप थक हार कर घर आओ और आप सोने जाओ तो उससे पहले पैरों को थोड़ा बहुत आपको पैम्पर करना चाहिए, 5 मिनट की मालिश ही सही, आप उसे ज़रूर उसका टाइम निकालें। तो आप एज ए डॉक्टर क्या एडवाइस करती हैं, ये जो तरीका है वो भी, और बाकी किस तरह की एडवाइस हो सकती हैं ताकि ये जो लेग क्रैम्प्स है वो ना हो? ये इसमें मैं आपको जरूर ये सलाह दूंगी कि आप जब जिम में जाते हैं तो आप एक्सरसाइज शुरू करने के पहले क्या करते हैं, वार्म अप है ना, और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप करते हैं कूल डाउन। तो ये मसल एक्सरसाइज हम दिन भर ही करते रहते हैं, जैसे स्टेयर चढ़ना, ट्रेन के पीछे दौड़ना, गाड़ी में बैठे रहना, तो मसल भी अपने अकड़ जाते हैं, तो हम स्ट्रेच नहीं करते हैं, वही हमारी गलती है। और हमारे रोज के ये भागा दौड़ी में सुबह हम अलार्म बजी उठे तो हम सीधा अपने काम पे लग जाते हैं, हम 2 मिनट पैर नहीं करते हैं मसल स्ट्रेच करने के लिए। ये जो मसल्स हमारे रात भर में रिलैक्स थे, यू नो एक पोस्चर में थे, तो उनको सडनली जब दूसरे पोस्चर में हम ले जाते हैं तो वो कैच, जैसे मसल कैच अखड़ जाती है। तो ये इसके वजह से सुबह उठते ही हमें
हर मसल को रिलैक्स करना जरूरी है एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सिंपल हार्ट का क्लोजिंग ओपनिंग, रिस्ट का रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ये सब एक 5-5 रेप्स से हमने किया। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, नेक का हमारा लेग काफ लिफ्ट, टो लिफ्ट, ऐसे सिंपल सिंपल वार्म अप हम 5 मिनट में पूरी कर सकते हैं 5 या 10 रेप्स करके। आप देखिए ऐसे इसमें मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसके वजह से मसल्स हेल्दी रहते हैं एंड उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने वाले नेगेटिव सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। लाइकवाइज जैसे दिन खत्म हो रहा है रात में, दिन भर के मसल यूज की वजह से जो टॉक्सिक केमिकल्स जमते हैं उनको कूल डाउन करना जरूरी है। तो यही सिंपल चीज जो हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं सुबह में, वही हमने वापस रात में भी करना है सोने के पहले। आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ता है कि आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और मसल पेन्स भी हमारे कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा जो कुछ डिफिशियंसीज है उनकी ट्रीटमेंट और एडिक्वेट पानी लेना, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, हाइड्रेशन एंड करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी, ये 4 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक सवाल सिर्फ महिलाओं के लिए मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन हर महीने होता है तो वो 5 दिन जो होते हैं वो बहुत मुश्किल के दिन होते हैं, और शुरुआत के 2 दिन तो पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता है, आपको गर्म पानी से सेकना पड़ता है, आप चलने में अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो पीरियड्स के समय आप महिलाओं के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि अगर इस वक्त और इस दौरान उनको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं तो वो क्या क्या कर सकती हैं? जी मैं यही कहूंगी कि देखिए ये सब हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं, हमारे लिगामेंट लूज हो जाते हैं पेल्विस में जिसके वजह से खिंचाव आती है अपने बैक मसल्स पे, इसलिए तो ये ऐसी नहीं है कि उसी समय पे हमने कुछ करके ट्रीट करना है। लेडीज ने खासकर अपनी तबीयत संभालना चाहिए, खुद का हीमोग्लोबिन लेवल कंट्रोल में रखना है, थायराइड हॉर्मोन लेवल चेक करना है, तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है। अगर हैवी फ्लो है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसके लिए आप ट्रीटमेंट लेना है कि क्यों हैवी फ्लो हो रहा है। अभी इसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगी कि योगा एंड कुछ योगा के पोजेस है जो आपको हेल्प करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या आपके गायनेक हेल्थ को अच्छा रखने में। तो रेगुलर योगा अगर आप करेंगे जैसे ट्विस्टिंग, अपना कोर स्ट्रेंथनिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ये सब करेंगे तो यूजुअली मेंस्ट्रुएशन के वक्त अपने को हमें ये पेन कम महसूस होती है। एंड लास्टली ये इसके बावजूद भी अगर आपको पेन होता हो तो आप खुद के बॉडी को इग्नोर न करें, जब आपको जब रेस्ट की जरूरत है तब आपने रेस्ट लेना है। और जिस तरह का ये पेन होता है अक्सर हम एक तरफ जरूर बढ़ते हैं और वो रास्ता बहुत आसान भी है क्योंकि आपको ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाते हैं पेन किलर्स, तो ऐसे दर्द को कंट्रोल करने के लिए हम अपने मन से ही एक इजी ऑप्शन तलाशते हैं, हालांकि ये आगे लॉन्गर टर्म में हमेशा हार्मफुल रहता है, ये कई बार बोल चुके हैं, कई बार कहा जा चुका है। तो जब लेग क्रैम्प्स हो तो उस सिचुएशन में क्यों हमें जो ये पेन किलर्स हैं उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, उसके क्या नुकसान है? तो सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि किस वजह से आपको क्रैम्स आ रही है वो रूट कॉज आप आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए एक बार आपने कुछ सडनली कुछ सामान उठा लिया या कुछ एक्टिविटी के वक्त सडनली मसल क्रैश आने की वजह से क्रैम्स आ रहा है तो मैं खुद मसल रिलैक्सेशन दूंगी क्योंकि वो एक्यूट इंजरी की वजह से है, कुछ मोच आ गई तो उसके वजह से मैं रिकमेंड करूंगी कि ठीक है मैं आपको लगाने के लिए कोई पेन किलर ऑइंटमेंट एज वेल एज मैं मसल रिलैक्सेशन टैबलेट दे दूंगी, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा मसल क्रैश रिलीव होने तक। मगर ये जो क्रॉनिक मसल क्रैम्प के जो इशू है उन्होंने उनके जड़ तक जाके देखना चाहिए कि बाबा इनका शुगर कंट्रोल में न होने की वजह से है क्या, इनका कोई स्पाइन का इशू है क्या, तो ये जो रूट कॉज एनालिसिस है ये करना चाहिए, ये प्रॉब्लम को जड़ से क्योर करना चाहिए। दूसरी बात है पेन किलर्स अगर हमें अवॉइड करने हैं तो अपने हमें मसल स्ट्रेंथन करने हैं, इसी में मैं कहती हूँ कि अभी कोर स्ट्रेंथनिंग, सिंपल एरोबिक एक्सरसाइजेस, ये सब इम्पोर्टेंट होंगे। जब आप अपने कोर स्ट्रेंथन करते हैं मतलब आपका स्पाइन स्ट्रांग है एंड आप अपने पोस्चर करेक्शन है आपका और अपने रूट कंप्रेशन नहीं होगा, नसों की वजह से कोई इश्यू नहीं होगा, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं की और रॉन्ग पोस्चर अवॉइड करना ताकि हमें पेन किलर ना लेना पड़े, क्योंकि पेन किलर कुछ ड्यूरेशन 5 दिन के ऊपर नहीं लेना चाहिए। 2 चीजें हैं,
एक तो वो पहले ये होता है कि किडनी खराब होते हैं एक्सेस पेन किलर लेने से, दूसरी बात है एसिडिटी और अल्सर से ब्लीडिंग होता है पेन किलर ज्यादा लेने से, और तीसरी बात है कि हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है कि वो पेन किलर नहीं लिया तो हमें दर्द से राहत नहीं मिलेगी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाता है, इसलिए हमें पेन किलर किसी भी हालत में अवॉइड करना है। ठीक है, और अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे इसी पर है कि कब हम डॉक्टरों को कंसल्ट करें, क्योंकि लेग क्रैम्प्स बहुत तो मतलब कई मतलब केसेस में ये मेजर कंसर्न नहीं हो सकता है, वो दर्द है, आप अपने होम रेमेडीज़ और जो आपने उपाय बताए हैं उसके बाद भी ये कंट्रोल में हो सकते हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम जो है, जब ये दर्द जो है वो परसिस्ट करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो मतलब वो कौन कौन से वार्निंग सिम्टम्स हैं तब आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास? तो कोई भी क्रैम्प जो अभी कोई मसल इंजरी हो गई, आप दौड़ रहे गार्डन में और आपके मसल में कैच आ गई, तो वो यूजुअली 2 हफ्ते तक रहता है, तो कोई भी क्रैम्प 2 हफ्ते के ऊपर हो तो वो एक्यूट फेज से चला गया अभी क्रॉनिक फेज में, तो तब आपने डॉक्टर को मिलना है। कोई भी क्रैम्प जो आपके नाइट स्लीप के साथ इंटरफेयर करता हो कि इतना रात भर दर्द हो रहा है कि आप सो ही नहीं पा रहे हैं, मतलब इट्स डिस्टर्बिंग योर स्लीप, वो पेन साइकिल से शुरू हो जाता है, तब आपने डॉक्टर को मिलना है। और तीसरा, जब आपका फंक्शन अफेक्टेड हो बिकॉज ऑफ द क्रैम्प, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपका एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ इज अफेक्टेड, एट दैट टाइम यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट द डॉक्टर। जी, और अब मैं यहाँ पर बातचीत खत्म कर रही हूँ। डॉक्टर शोभा, अगर आप कुछ हमारे मतलब इस पूरे बातचीत को समराइज करना चाहें या कोई और एडवाइस आप अपने तौर पर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकती हैं। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे बोन पेन या मसल पेन, खासतौर पर यंग पीपल में जो हम स्पॉन्डिलाइटिस या जो कुछ उम्र की वजह से होने वाली बीमारियां पहले 50-60 साल के बाद देखते थे, वो आजकल हम जल्दी देख रहे हैं क्योंकि अपनी आदतें खराब है। हम बेड पे मोबाइल देखते हैं, हम दिन भर झुक के मोबाइल देखते रहते हैं, कंप्यूटर पे भी हम काम करते वक्त अपना पोस्टर सही नहीं रहता है, तो ये सब चीजों की तरफ अगर हम ध्यान दें और हेल्दी हैबिट फॉर्म करें तो ये काफी सारे हमारे प्रॉब्लम्स गायब भी हो जाएं। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर शोभा इटोलिकर को, जिन्होंने आपको लेग क्रैम्प्स के बारे में बताया। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें, आप पहले इन उपायों को जरूर फॉलो करें, और अगर आपको इससे भी आराम नहीं मिलता है तो प्लीज जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते आपसे मंगलवार को होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।